ग्लोबल टेंशन, वॉर विद एटम। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध पर शी जिनपिंग ने एक बड़ा बयान दिया। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर यह खबर आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ी खबर। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो, यह कहा है शी जिनपिंग ने। तो चीन भी यहां पर अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर फिक्रमंद दिखता हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो। वो कह रहे हैं यूरेशिया में परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी न्यूक्लियर वॉर होने से रोके, ये शी जिनपिंग ने कहा है। तो शी जिनपिंग परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर फिक्रमंद होते हुए, हमने आपको बताया था कि कैसे परमाणु हमलों की भविष्यवाणी करने वाली घड़ी बता रही है कि बहुत जल्द जो इंसानी आबादी है ये परमाणु हमले की तरफ बढ़ रही है। और इसको देखते हुए अब चीन में भी फिक्र दिखती है इसकी, क्योंकि अगर ये परमाणु हमला होता है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया पर असर होगा इसका, और चीन में भी कहीं ना कहीं वो खलबली है। खुद शी जिनपिंग को ये कहना पड़ रहा है कि परमाणु हमला ना हो, जो कि रूस के साथ खड़े हैं। और बार बार ये कहा जाता है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है यूक्रेन पर, लेकिन अब रूस के एक बहुत अहम सहयोगी चीन ने कहा है कि परमाणु हमला नहीं होनी चाहिए। क्या चीन की वार्निंग है ये आपको दिखाते हैं, चीन ने क्या वार्निंग दी है, क्या कह रहे हैं शी जिनपिंग, आइए आपको दिखाते हैं जिनपिंग की वार्निंग। देखिए, बीजिंग में जिनपिंग की जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स से मुलाकात हुई और मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग ने न्यूक्लियर वॉर के संकेत दिए। यहां पर जिनपिंग ने पहली बार न्यूक्लियर वॉर पर बयान दिया। यूरेशिया में, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर, यूरेशिया में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल रोका जाए, यह कहा जिनपिंग ने। तो सवाल है, जिनपिंग को यह डर क्या है, क्यों है, और उनके ये बयान के मायने क्या हैं? रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या रूस ने चीन को परमाणु हमले के संकेत दिए हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रूस के साथ खड़ा है चीन, और अगर चीन ये कह रहा है तो ये बहुत अहम है। क्या जर्मनी ने चीन को यूक्रेन पर परमाणु हमला होने की खबर दी? आखिर इस मीटिंग में परमाणु हमले की बात क्यों उठी है? क्योंकि जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक, और चीन एशिया के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक, और रूस का साथी, जर्मनी रूस का सामने, यूक्रेन का साथी। अब देखिए, जर्मन चांसलर ने बीजिंग में रूस को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? लक्ष्मण रेखा पार ना करे रूस, ये जर्मन चांसलर ने कहा है। दोस्त के घर में खड़े होकर दोस्त को चेतावनी देता हुआ जर्मनी। जिनपिंग भी यूक्रेन पर रूस के न्यूक्लियर थ्रेट का विरोध कर रहे, ये कहा ओलाफ शोल्ज ने। जिनपिंग और मेरा मानना है कि न्यूक्लियर वॉर ना हो, ओलाफ शोल्ज ये कहते हुए। पुतिन से युद्ध रोकने के लिए बात करें जिनपिंग, ओलाफ शोल्ज ने वहीं पर यह कहा, यानी सबको यह डर है कि कहीं यह युद्ध परमाणु अटैक ना करवा दे।